चलो शुरुआत में हम वार्निंग दे देंगे कि भाई बच्चे इस वीडियो को अभी स्किप कर दे, दूर रहें। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अहमद खान के पॉडकास्ट के मीम्स। भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, और इंडिया में तो इनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। भाई इंडिया में हर कोई पूछता है कि इनका नाम क्या है, इनकी आईडी क्या है। इनके जब वीडियो दूसरे चैनल्स वाले डालते हैं ना, दूसरे पेजेस वाले, तो कमेंट में यही रहता है इस बंदे का नाम क्या है, इसकी आईडी क्या है, ये वो है कहाँ का। तो इंडिया के लोग तो बहुत सारे यही समझते हैं कि इंडिया से, लेकिन ये नहीं, ये पाकिस्तान से। देखते हैं भाई इनके मीम्स कैसे क्या है अभी। देखो यार ये बात कर रहा है ना सिगरेट की, हाँ। ये 20 मिनट में सिगरेट पीता है। ऐसे तो नहीं होता है, सिगरेट तो एक मिनट में पी लेता है, 19 मिनट मांगने में लगा देता है यार एक सिगरेट। मैं अपनी पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे दिल की बात ऐसे समझे जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ मेडिकल स्टोर वाले समझ लेते हैं। ओह डॉक्टर ऐसा क्या लिखता है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझते हैं? ये तो नहीं मैंने लूट लिया, तू भी देख ले। ये भी हो सकता भाई। नहीं देखो मेरी एक बात समझ में, एक अजीब बात है, कहते जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन रात में जो होता है वो बच्चे के लिए होता है। तू नहीं समझा, तू समझा नहीं। वैसे बात बिल्कुल सही है, बच्चे अंदर से 35-40 साल के हो रहे हैं, 18-12 साल के, लेकिन 45-70 साल का दिमाग। मैंने कहा पड़ा था शौहर ने ना बीवी को मैसेज किया कि अगर मुन्ना सो गया तो मैं आ जाऊं, रिप्लाई आया अम्मी सो गई आ जाए। ओ भाई ये क्या है भाई, हद हो गई यार। नंबर्स की बात भी मैं कहता हूँ, शर्म आनी चाहिए उन लड़कों को जो बसों की सीटों पर लड़कियों के नंबर लिख जाते हैं। मैंने इतनी बार कॉल की, सब बंद थे। अच्छा बात पता है कि वैसे हमें भी नंबर दिखते हैं बहुत सारे, हम कहीं घूमने उमने भी जाते हैं ना, पुराने पुराने महलों में तो उनमें भी नंबर लिखे रहते हैं। देखे हमने बहुत ज्यादा, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन इन्होंने किया है। अपन ट्राई करेंगे कभी, चल आगे। मैंने कुछ लड़कियों को देखा, उनके नखरे उनकी फरमाइशें कभी खत्म नहीं हो सकती। उनको डाकू अगवा करके भी ले जाएगा ना, उनसे भी कह रही हूँ एक्सक्यूज मी, मैं शीशे वाली साइड पे बैठूंगी। लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। मैं बैठी हुई थी, मैंने उससे उनसे ऐसी फ्लैट के अंदाज में मैंने कहा आप बॉम्बे में रहती हो कि नहीं? तो मैंने कहा बॉम्ब लग रही हो। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। मुझे कह रही आप लंदन में रहते हो, मैंने कहा नहीं तो। ये क्या है भाई, ये वाला तो खतरनाक था यार। ये मतलब ये इन्होंने लिखा है ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज, हम तो कर नहीं रहे क्योंकि हम हंसी देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भाई जो उदास से उदास बंदा है ना वो भी हंसेगा नहीं, वो भी बोलेगा ओ। देखिए मैडम बिचारी अच्छा सवाल पूछ रही है, मैडम बच्चों से पूछ रही है, बताइए बिल्ली कितने बच्चे कैसे होते हैं? बच्चा कह रहा है अगर आप भी रातों को गलियों में घूमेंगे आपका भी यही असर होगा। सही है भाई। देखिए मैं एक बात कहना, हमारे एक रिश्तेदार है उनकी पालतू बिल्ली है, वो उसका ऐसे ही सीन होता है, मतलब हर 3-4 महीने बाद वो मां बन जाती है, समझ नहीं आता है कहां से मुकाला करवा के आ रही हो। सही में ऐसा होता है भाई, बिल्लियों के साथ। हाँ बिल्लियाँ इधर उधर निकल जाती है, अब तो वो बची नहीं, इस बार वो कुत्तों के हाथ लग गई थी तो इस बार वो बची नहीं। अच्छा, तो हमेशा बिल्लों के हाथ लगती है वो। बिल्ले तो छोड़ देते हैं, कुत्ते खा ही जाते हैं। तो इस बार वो बची नहीं, लेकिन उसके बच्चे बहुत सारे हो गए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात ये सच है कि औरत जो है, औरत एक ही मर्द से बहुत सारी उम्मीदें रखती है, जबकि मर्द जो है वो बहुत सारी औरतों से सिर्फ एक ही उम्मीद रखता है। बाकी ये चीज सच है, मर्द का भी सच है और मर्द भी गलत है यहाँ पर, लेकिन औरत भी यहाँ पे सही नहीं है कि भाई बहुत सारी उम्मीदें एक ही मर्द से करना। एक ऐसा जोक भी है कि एक लड़की से पूछते हैं कि आपको कैसा मर्द चाहिए, तो वो 50 तरह की चीज़ें बता देती है, तो वो बंदा उसको सामने से बोलता है आपको 50 मर्द चाहिए क्या? क्योंकि एक इतनी सारी क्वालिटी एक में होना तो इम्पॉसिबल है भाई। तो वो औरतों का भी गलत सीन है और लड़कों का तो गलत है ही। वो तो है ही गलत। चलो आगे। अच्छा यार अहमद भाई मैंने एक जगह एक बात पढ़ी। क्या? मैंने कहा लोग जिससे छुप छुप के मिलते हैं ना उससे शादी नहीं करते, और शादी उससे करते हैं या दूसरे से छुप छुप के मिलती है। बात तो सही है। सही है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी करो भाई, करो हमें भी करो। फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। दबा दिया, घंटी में दबा देना ठीक। बात पता है क्या, हमारा जो ना हर सब्जेक्ट बहुत अच्छा था लेकिन हमें बुरा लगता था।
हर सब्जेक्ट में हमारे जो है ना वो ऐसा होता था, लेकिन मैथ जो होता था ना मैथ, ओए होए होए, और मैथ आपको पसंद था? नहीं नहीं भाई, क्या मैथ के टीचर पसंद? अच्छा टीचर पसंद थी। कुछ खवातीन जो होती है ना बड़ी चलाक होती है, क्या वो शादी वाले दिन से जो है ना उनकी साजिश शुरू हो जाती है, 30,000 का मेकअप करवा के ना तस्वीरें सेव करके एल्बम में रख लेती है, 15 साल बाद बच्चों को दिखाती है, देखो मैं इतनी खूबसूरत थी तुम्हारे बाप ने हल कर दिया। ये बात तो है, सही है, सही बात है। कहीं और शिफ्ट हो गई, मतलब दौर चेंज हो गया, दौर बहुत फास्ट हो गया, फास्ट हो गया। देखो कहते हो गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और हो जाए तो दुख 2 महीने तक रहता है, और गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए तो दुख सारी जिंदगी रहता है। वाह बड़े तेज बच्चे, हमारे मोहल्ले का बच्चा मुझे कह रहा है, आपको पता है अंकल आसमान पर तो एक मून होता है लेकिन जमीन पर भी एक मून होता है। अच्छा आपको सिखा रहा है? मैंने बोला कौन सा बेटा? कह रहा हनीमून। अच्छा कहते हैं कि लड़कियों का दिल पानी की तरह होता है, लड़कियों का दिल पानी की तरह होता है, लड़कियों का दिल पानी की तरह होता है, लड़कों का दिल मोबाइल की तरह होता है, चाहे मोबाइल पानी में गिरे या पानी मोबाइल पे गिरे, सत्यानाश मोबाइल का ही होता है। भाई ये बात कहाँ से बनाते हैं? मोहब्बत में जो सवाल होते हैं ना बिला वजह के सवाल, लड़का पूछ रहा है लड़की से तुम्हारी मम्मी क्या करती है, लड़की कह रही उनका ब्यूटी पार्लर है, वो दुल्हन तैयार करती है, लड़का कह रहा अच्छा मेरा अब्बा भी दूल्हा तैयार करता है, लड़की कह रही उनका भी ब्यूटी पार्लर है, लड़का कह रहा नहीं वो हकीम है। अच्छा बहुत से रिश्तेदारों के सताए हुए होते हैं तो भी शायरी करते हैं, अच्छा। दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते। भाई रॉबर्ट भाई डायरेक्टर, ये कहीं से तो सुना है मैंने, ये सुना है। मतलब बात ये कहते हैं मतलब कि रात में सिर्फ 3 तरह की चीजें जागती हैं, भूत, मच्छर और मियां बीवी। क्या बोला तूने? भूत इंसान को डराने के लिए, हाँ। मच्छर इंसान को सताने के लिए, हाँ। और मियां बीवी इंसान को बनाने के लिए। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है, इट्स अ वेरी लॉजिस्टिक क्वेश्चन, ये मुझे बात बताइए, अगर बीवी खूबसूरत हो, अगर बीवी खूबसूरत हो तो मर्द के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश खुद ब खुद पैदा हो जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, कभी नहीं होती ख्वाहिश। गरीब आदमी क्या करेगा? मैं कहता हूँ आप दुआ कीजिए कि गरीब आदमी जो है ना, आप दुआ करें गरीब आदमी रोटी खाता रहे, क्योंकि गरीब आदमी भूखा हुआ नहीं और इधर बच्चा हुआ नहीं। बरकत नहीं। अरे सर एक बार यार, हम जब जॉब करते थे 94 में सर, 3,000 रुपए में तनख्वाह, 3,000 रुपए तनख्वाह थी मेरी, उसमें मेरा खर्चा निकलता था सर। एक बार तो मुझे सैलरी मिली महीने के एंड में, मैंने सैलरी आगे वाली जेब में रखी, मैं बस में चढ़ गया, जो खातून भुट्टा चोरी की क्या, मैंने कहा सैलरी की कौन सी सैलरी है जो हर 2 सेकंड में बढ़ रही है? नेवर। भाई मैंने देखा है दूल्हा जो है ना वो लोगों से गले मिलने में इतना मसरूफ होता है कि वो गले मिलते मिलते दुल्हन के एक्सलवर से भी गले मिल लेता है। बहुत पते की बात करते यार, धीरे धीरे होता है। बाकी इनकी जो भी बातें थी भाई नेक्स्ट लेवल थी, बाकी बात है भाई इस इनके वीडियो से बच्चे दूर रहे। ये है कि बच्चे दूर रहे और बच्चे ही आजकल ये वीडियो देखते हो, हाँ, सीख भी रहे भाई बातें, ये सब याद है उनको, ये बात सही है, हमसे ज़्यादा पता है इनफेक्ट आजकल के बच्चों को, हम सीधे इनके मुकाबले आजकल के बच्चों को। सच में अगर अपन उनकी एज में थे तो अपन को इतना कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता, सोशल मीडिया से बच्चों को सब पता चल गया। और हमारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं कुछ जो सिखाते रहते हैं सिखाते रहते हैं, सही है। तो भाई बाकी हम भी इस चीज़ को बढ़ा ही रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सही है, हम भी इनमें से ही एक है, इन्फ्लुएंसर ही हो गए धीरे धीरे। चलो शुरुआत में हम वार्निंग दे देंगे कि भाई बच्चे इस वीडियो को अभी स्किप कर दे, दूर रहें, और जो भी माँ बाप देख रहे हैं अगर आपने देख लिया अपने बच्चों को इस वीडियो को देखते हुए तो भाई हमारी तरफ से 2 चपेट ज़्यादा लगाना। 14 साल से छोटे। बाकी यार इनकी बात करते हैं, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर नेक्स्ट लेवल, बहुत ज़्यादा, हैंड टू हैंड जोक बना के पेश कर देते हो, कुछ पुराने जोक्स भी इसमें डाले थे, लेकिन उनको जिस अंदाज से इन्होंने बोला यार वो बहुत फनी लगता है, मतलब हंसी आ ही जाती है। जिस तरह से वो साइज वाला बोला सैलरी का, आए कौन सी सैलरी जो बढ़ती जा रही है, वो खतरनाक था। मतलब मुझे लगा कुछ मोटिवेशनल चीज बोलने वाला है, हाँ। कि भाई मेरी सैलरी उस दिन 3,000 की थी, मुझे मैं रख के गया था, बस में चढ़ा था, अब तो एक खातून से मैं टकरा गया, बोले इससे क्या है, तो बोले सैलरी। वो मुझे मोटिवेशनल लगा था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे भी सही है भाई। बाकी सच में इनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो मानना पड़ेगा, बहुत बहुत। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बता देना कमेंट करके, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे साथ तो बताना, कमेंट करके सजेस्ट कर देना, हमारी इंस्टा आईडी भी ये रही,
और हमारे फेसबुक पेज के बारे में बताना चाहते हैं, नया बनाना पड़ा है, हमारा पुराना हैक हो गया है, उसको बहुत गंदी गंदी फोटोज पोस्ट कर रहा है और वो रशियन हैकर्स ने हैक किया है, तो मतलब मेरी तो आईडी खा गया, इसकी तो आईडी है कोई, और मेरा भी पेज जो एम्ब्रोज इंडिया वाला पेज, वो भी हमारे दो पेज, मेरी एक पर्सनल आईडी जो मेरी बहुत पुरानी लगभग 15 साल पुरानी आईडी थी वो आईडी जा चुकी है, तो यार बहुत खतरनाक है। नई नए पेज की लिंक हमने यहाँ दे दी है, तो प्लीज़ यार फॉलो ज़रूर कर लेना हमको, ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।